लीजिए महाराज, भोजन ग्रहण कीजिए। धन्यवाद कृष्ण। भोजन ठीक तो है ना महाराज? देवी राधा की रसोई में श्री कृष्ण के हाथों से बना भोजन ग्रहण कर मैं तो अनंत के लिए तृप्त हो गया। इस बालक की सेवा और इस स्वादिष्ट भोजन से मैं अत्यंत प्रसन्न, अत्यंत तृप्त हुआ। मैं प्रसन्न होकर इसे कोई वर देना चाहता हूं। मांगो, क्या वर मांगते? देखिए, मैं इस गांव में रहना ही नहीं चाहता हूँ। जिस गांव से जो है शक्ति ही लुप्त हो गई है, वहां मैं भला कैसे रह सकता हूँ? देखिए, मुझे इस स्थान से दूर, इन सब से दूर, मुझे उस स्थान पर ले जाइए जहां पर बरसाना की सारी स्त्रियां हैं। क्या आप ये कर सकते हैं? एवं अस्त, आओ, मैं स्वयं तुम्हें वहां ले चलता हूँ। धन्यवाद महादेव, धन्यवाद सिद्धेश्वर। मेरा भी जाने का बहुत मन कर रहा है। मुझे भी राधा का स्मरण व्याकुल कर रहा है। बहुत बड़ी भूल हुई है हमसे। अब देखो, स्त्रियों के ना होने की वजह से एक ब्राह्मण को हम अन्नदान नहीं दे पाए, और जब स्त्रियों का साथ देने का अवसर आया तो हमने अपने कर्तव्य से मुंह मोड़ लिया। ये आप क्या कह रहे हैं? वही जो हमें बहुत पहले कर लेना चाहिए था। अब क्या? चिंता मत करो आयन, ये लोग स्त्रियों को नहीं खोज पाएंगे। महामाया की माया अभेद्य है। अला ये लोग कैसे भेद पाएंगे? मैं उस कृष्ण को असफल और असहाय देखना चाहता हूं। अरे आप क्यों रुक गए अक्रूर जी? नहीं, वो कृष्ण का संदेश है। उसने कहा है कि आपको भी आना चाहिए, देखना चाहिए, क्या पता आपको भी कोई नया ज्ञान प्राप्त हो जाए। चलिए, चलता हूँ। राधा की प्रेम की शक्ति ने तो इतने दुर्गम कार्य को भी संभव कर दी। उसने इस अभेद्य माया को भेदने के लिए और उसे वास्तविक विश्व से जोड़ने के लिए उसने ये प्रेम सेतु ही बना दी। मैंने आपसे कहा था ना दा, इस माया को कोई व्यक्ति नहीं, प्रेम की शक्ति ही तोड़ेगी। यशोदा, राधा, बाबा आप आ गए।
मैं समझ गया पुत्री, तुम स्त्रियों के बिना हम पुरुष कुछ नहीं है। बाबा आप समझ गए, मेरे लिए यही पर्याप्त है। आपके लौटने से ही मैं अत्यंत प्रसन्न हूँ। पता है आप सबके जाने के बाद बरसाना श्रीहीन हो गया, लक्ष्मीहीन, पर तो अब आप सबके बरसाना जाने के बाद लक्ष्मी वापस आ जाएगी। क्यों महाराज जी? उचित कहा आपने। वैसे स्त्रियों से मिलने का वरदान केवल मुझे प्राप्त है, मेरे पीछे पीछे सारे पुरुष आ गए हैं, मुझे कोई आपत्ति नहीं है। मैं सिद्धेश्वर महाराज से कुछ नहीं कहूंगा, मैं आनंदित हूं ये देख के कि सारे लोग एकजुट हुए हैं। किंतु महाराज जी ये सब आपने किया कैसे? सत्य तो ये है कि मैं अकेला कुछ भी ना कर पाता। यदि किसी एक के प्रेम की शक्ति ने उस प्रेम सेतु का निर्माण ना किया होता, मैं तो केवल उस प्रेम सेतु पर चलकर यहां तक आया हूं। हम सब पुरुष अपनी गलती सुधारेंगे। अब भले ही नवरात्रि और कंस की चुनौती को एक दिन शेष बचा हो, हम अपने गांव की स्त्रियों का साथ अवश्य देंगे। किंतु एक दिन में आर्य, हम इतना सामान कैसे बेचेंगे? क्यों नहीं, कल दशहरा का दिन है, एक दिन के लिए ही सही। यदि हम सब साथ मिलकर कार्य करेंगे तो सब कुछ संभव होगा। हमें ये कार्य आज रात्रि से ही आरंभ करना होगा। आज रात्रि हम सब साथ मिलकर मां सिद्धिदात्री की आरती करेंगे, और प्रमुख आरती मैं स्वयं करूंगा। क्यों? अब सिद्धदात्री की आरती स्वयं सिद्धेश्वर नहीं करेंगे तो और कौन करेगा? तो चलिए हम सब चलते हैं, आइए। ये कैसे संभव हुआ? पता नहीं इस ब्राह्मण सिद्धेश्वर ने महाराज कंस की ये चाल कैसे विफल कर दी। पुनः विफल हो गए हम। ये माया भी टूट गई। ये तुमने कैसे किया कृष्ण? प्रेम से हर माया तोड़ी जा सकती है अक्रूर, इसलिए तुम्हें यहाँ आला, यही दिखाने के लिए, कुछ नया दिखाने के लिए, ताकि तुम अपना मन खोल सको। एक बार पुनः सोच लो अक्रूर, तुम क्या कर रहे हो, तुम किसका साथ निभा रहे हो। कृष्ण कितना शक्तिशाली है, उसने तो इस अभेद्य माया को भेदने का मार्ग भी ढूंढ लिया। वो सबका हितैषी भी है, यहां तक कि उसने महाराज कंस को पुण्य करने को कहा। कहीं सच में मैं अधर्म का साथ तो नहीं दे रहा?